श्री गोस्वामी तुलसीदास जी जब प्रकट भए तो कहा जाता है इनके मुख में 3200 दांत थे। जब बच्चा पैदा होता है ना तो दांत नहीं होते सामान्य बालकों के, पर गोस्वामी जी के मुख में 3200 दांत थे, या ये कह सकते हैं कुछ दांत थे। जब ये प्रकट भए तो इनके कुछ दिनों बाद माताजी पिताजी भगवत धाम को चले गए। तो गांव के लोगों ने कहा कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, पैदा होते ही माँ चली गई, बाप चला गया, दांत भी इसके हैं। तो लोगों ने तुलसीदास जी का, बच्चे थे तब ही, बहिष्कार करना शुरू कर दिया, अपमान करना शुरू कर दिया कि तुम समाज के लिए ठीक नहीं हो। जब बहिष्कार हुआ तो तुलसीदास जी बचपन में कहीं रोटी मिल जाए तो मांग कर खा लें, जैसे प्रसादी मिल जाए। कहा जाता है कि जब इन्हें कोई भोजन नहीं देता था तब स्वयं माता सीता अपने साथ बैकुंठ से भोजन, साकेत से भोजन लेकर आती थी, और गोस्वामी तुलसीदास जी जब बच्चे थे तब अपनी गोद में बिठाकर उनकी माँ बन करके माता सीता उन्हें भोजन कराया करती थी गोस्वामी तुलसीदास जी को, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति तो नहीं थे, वाल्मीकि जी हैं, भगवान के परम भक्त हैं। और जब थोड़ा बड़े हुए तो इनका विवाह हो गया, तुलसीदास जी का विवाह हुआ। पत्नी का नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी की, माँ का नाम जानते हैं क्या था? पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माँ का नाम था हुलसी। हुलसी के हुए हैं तुलसी। इनकी पत्नी जब विवाह हुआ और दुल्हन आई तो उनका नाम हुआ है रत्नावती, रत्ना। जब विवाह हुआ तो पत्नी से थोड़ा सा तुलसीदास जी को प्यार मिला, जो कभी प्यार ना पाया माँ का, पिता का, समाज का, लोगों का, वो प्यार चाहेगा ना कि हमें प्यार, उससे पहली बार प्यार मिला, पत्नी का प्यार मिला। शादी हुई, पत्नी आई, 10-5 दिन रही तो बहुत अच्छा लगा कि भाई ये हमें प्यार करती है। लेकिन अचानक उनके साले साहब आ गए और लेकर चले गए मायके, क्योंकि भाई यही नियम है कि लड़की 10-5 दिन के बाद अपने मायके वापस चली जाती है। तो तुलसीदास जी की पत्नी आई तो पर वापस चली गई, और जब जाने लगी तो तुलसीदास जी बोले, प्रिय तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूँगा, बोले थोड़े दिन रह लो, ये नियम होता है कि जाके फिर आना होता, मैं जल्दी आ जाऊँगी। अब ठीक है, कह तो दिया सामने के ठीक है, लेकिन जब गई तो याद बहुत आने लगी, अब कैसे रहें। तुलसीदास जी बोले कोई बात नहीं। अब वो चली गई तो तुलसीदास जी ने मन में सोचा कि वो हमारे पास नहीं आ सकती, क्या हुआ, हम तो जा सकते हैं। तुलसीदास जी ने तुरंत अपना पैदल पैदल, रास्ता पता ही था, चल पड़े। अच्छा, पत्नी निकली सुबह, सुबह से वह शाम तक पहुंच गई, आसपास के गांव की रही होंगी। अब ये दिन भर तो जैसे तैसे संभाल लिया के रह लेंगे, पर शाम होते होते लगी नहीं रह पाएंगे तो निकल पड़े। और जब निकले तो वो सीजन था, मौसम था बारिश का। अब बारिश के मौसम में शाम को कोई नाव वाव मिलती नहीं है, दिन में तो नाव की व्यवस्था होती है। शाम को जब पहुंचे, चले तो सामने एक नदी थी। तुलसीदास जी पत्नी के प्रेम में ऐसे विह्वल हो गए, रत्ना कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, पागलों की तरह है ना। नाव मिली नहीं तो संयोग से नदी में कोई मुर्दा बहता हुआ जा रहा था, तो तुलसीदास जी ने उसे पकड़ लिया, ये समझ करके कि ये नाव है, हमारी पत्नी ने हमारी नाव की व्यवस्था कर दी। इतने पागल हो गए पत्नी के प्रेम में कि पत्नी के प्रेम में उन्हें उस मुर्दे में पत्नी की भेजी नाव नजर आई, मुर्दा नजर नहीं आया। ये क्या है, ये प्रेम की चरम सीमा है, प्रेम है। अब नाव समझकर मुर्दे को पार लग गए। अब जब घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी, लगभग 2-3 बज रहे होंगे रात्रि के। अब पूरा सन्नाटा चारों तरफ, दरवाजा बंद, अब कैसे रात को जगाएं।
तुलसीदास जी ने सोचा यदि मैं सामने से घुसता हूँ तो लोग कहेंगे लो कैसा पति है, पत्नी के बिना पल भल भी ना रुका। तो उसे पत्नी ने बताया था कि मैं ऊपर वाले कमरे में रहती हूँ। तो ऊपर उसके कमरे में एक सांप लटक रहा था, शायद सांप को भी आज ही वहां से लटकना था। सांप भी पत्नी के कमरे में घुस रहा था। तुलसीदास जी को लगा मेरी पत्नी ने कह दिया कि रस्सी है चढ़ के आ जाओ। था तो सांप पर वो सांप को रस्सी समझ कर, देखो प्रेम ये होता है कि सांप को वो रस्सी मान रहे हैं क्योंकि प्रेम है। तुलसीदास जी जैसा प्रेमी सांप को रस्सी मान लेता है और आप जैसा प्रेमी पत्थर में भगवान को नहीं देख पाते हो। और वो तुलसीदास जी ने सांप में रस्सी देखी, जबकि होता उल्टा, हम लोग रस्सी में सांप देखते हैं। होता उल्टा, हम लोग अक्सर रस्सी में क्या देखते हैं, रस्सी में सांप की भ्रांति हो जाती है, भ्रम हो जाता है सांप है। लेकिन यहां उल्टा है, यहां सांप में रस्सी नजर आई क्योंकि प्रेम था। मेरी पत्नी ने मेरे लिए कि यहां से चढ़ के आओ, और स्वामी जी चढ़ के चले हुए, सांप भी बढ़िया खाते पीते घर का रहा होगा, मोटा ताजा, चढ़ गए। और जब चढ़कर गए, खिड़की खोली, और जब अंदर प्रवेश किए तो पत्नी की आंख खुली, माता रत्नावती जागी। और जागकर देखा, उस जमाने में दीपक का प्रकाश रहा होगा, कौन है आप? अरे भाग्यवान प्रिय, मैं तुलसी तुम्हारा पति। अरे इतनी रात को आप यहां? हाँ, हमें तो तेरे से मिलने के बाद लगा, जब तुम आई तो हमें लगा शायद हम तुम्हारे बिना दो चार दिन रह लें, लेकिन दो चार दिन क्या, तुम्हारे जाने के बाद एक एक पल युगों की तरह बीतने लगा, रह ना पाए, फिर हम अपने आप को रोक ना पाए। अच्छा, तो बिना नाव के नदी पार कैसे की? अरे तुमने नाव भेजी तो थी। अच्छा ठीक है, पर यहां तक ऊपर कैसे चढ़े? बोले तुमने रस्सी डाली तो है। कहां रस्सी डाली मैंने? अब झांक कर देखा रत्नावली ने, सांप, ये तो सांप है, लाठी बाटी से उसको गिराया पीछे की तरफ, ये तो सांप है। अब सांप पकड़ के आ गए ऊपर। हाँ, पत्नी ने कहा आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि आप हमारे बिना पल भर ना रह पाए। हाँ, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना पल भर ना रह पाए। तो पत्नी नींद में थी, आप किसी की नींद खराब कर दीजिए फिर देखिए, है ना। तो पत्नी नींद में झल्लाती हुई बोली कि जितना प्यार आपने हमसे किया है, इतना प्यार रघुनंदन से किए होते, भगवान से किए होते, राम से किए होते तो नहीं अपार हो जाती। तुलसीदास जी ने थोड़ी देर खड़े होकर विचार किया, क्या ये बात सही है? ये बात सही है क्या कि मैं इतना प्यार पत्नी से करता हूं? अच्छा, पत्नी से प्यार करूंगा तो क्या मिलेगा? केवल पत्नी का शरीर, केवल भोगों की इच्छाएं पूरी होंगी, और इच्छाएं पूरी कितनी देर के लिए? जरा सी देर के लिए, फिर इच्छाएं कल फिर खड़ी हो जाएंगी, परसों फिर इच्छाएं खड़ी हैं। तुलसीदास जी ने समझ लिया कि पत्नी के प्यार में सच्चाई नहीं है, पत्नी के प्यार में सत्यता नहीं है, भगवान के प्रेम में ही सत्यता है। इसलिए सत्य प्रेम की ओर बढ़ना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी उल्टे उसी रास्ते चले गए, और फिर पलट कर कभी पत्नी की तरफ नहीं देखा, मन कभी पत्नी में लगाया ही नहीं। एक बात बताएं, जो सच्चा प्रेम अपनी पत्नी से करता होगा, जो सच्चा प्यार अपने परिवार से करता होगा, वही सच्चा प्यार भगवान से भी कर पाएगा। जो परिवार से सच्चा प्यार ना कर पाया, वो भगवान से सच्चा प्यार नहीं कर पाएगा। तेरे प्यार ने तेरे परिवार को धोखा दे दिया है, तो धोखेबाज प्यार है तेरा, तेरा प्यार भगवान को भी धोखा देगा। इसलिए तुलसीदास जी का प्यार सच्चा था। तो सच्चा प्यार यदि परिवार से था, तो बस उन्होंने परिवार की जगह भगवान को ही तो बिठाया है। जो प्यार पत्नी से था, वही प्यार भगवान से कर लिया, सिंपल है। जितना प्यार आप पुत्र परिवार से करते हैं, उतना प्यार भगवान से कर लेंगे तो कल्याण हो जाएगा। प्यार उतना ही करना है, बस परिवार की जगह भगवान को बिठा लीजिए, तुलसीदास जी की तरह।
कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास जी पत्नी के डांटने पर पत्नी के कहने से साधु बन गए, संत बन गए, तुलसीदास हो गए। अब बताओ, पत्नी के डांटने से कोई तुलसीदास होता तो आज घर घर तुलसीदास होते, क्योंकि रोज डांट पड़ रही है पत्नी की। क्यों? पत्नियां तो रोज जमा देती हैं दो चार डांट, लेकिन कहां कोई निकल रहा है घर से, कहां इतना त्याग और वैराग्य है तुलसीदास जी की तरह। आजकल का तो आदमी लाते हैं खा खा के भी घर पे ही पड़ा है, लाते हैं बातें खूब खाता और घर नहीं छूटता। वो तुलसीदास जी हैं कि एक बात ने घर छोड़ दिया, बात में बड़ा दम होता है मेरी माँ। एक बात ऐसी है, कहते हैं बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। आपकी बातें अच्छी होंगी तो बातों के बल पर हाथी दान में मिल जाएगा, और बातें बिगड़ गई, शब्द बिगड़ गए तो हाथी के पांव के नीचे भी दबा दिए जाओगे। तो बातन हाथी पाइए बातन हाथी लात। यदि आपकी बातों में दम है तो आपकी जय जयकार होगी, और बातों में दम नहीं है तो कोई आपको पूछेगा नहीं। तो ये बातें बड़ी होती हैं, इसलिए बातें शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ से ना पाओ। पति पत्नी को भी अच्छी बातें करनी चाहिए, है ना। और आप अपनी पत्नी, आप अपने पति को तुलसीदास बनाना चाहती हो तो कहती रहा करो कि जितना प्यार हमसे करते हो प्राणनाथ, इतना भगवान से कर लेते तो कल्याण हो जाता। कह के देखना तुम्हारा पति तुलसीदास बनता है कि नहीं, है ना। पत्नी के कहने से कोई तुलसीदास बनता तो बहुत तुलसीदास हो जाते। तुलसीदास जी तुलसी तुलसीदास जब वहां से निकले, सबसे पहले तुलसीदास जी प्रयाग आए, प्रयाग में स्नान किया, फिर यहां वहां संतों की खूब शरणागति की, फिर तुलसीदास जी ने खूब भारत का भ्रमण किया। ऐसा कोई गांव नहीं होगा शायद जिस गांव में तुलसीदास जी ना गए हों। हर राज्य का भ्रमण किया, हर तीर्थ का भ्रमण किया। इसलिए रामचरितमानस में सिर्फ अवधी भाषा नहीं है, भारत के गांव गांव में बोली जाने वाली सारी भाषाएं आपको श्री रामचरितमानस में प्राप्त हो जाएंगी। चाहे वह भाषा मध्य प्रदेश की हो, चाहे वह भाषा उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वह भाषा पंजाब की हो, चाहे वह भाषा हरियाणा की हो, जम्मू कश्मीर की हो, चाहे वह बिहार की हो, चाहे वह महाराष्ट्र की हो, उत्तराखंड मीन्स ऊपर की तरफ की भाषा हो, दक्षिण की भाषा हो, पश्चिमी भाषा हो, या कोई भी भाषा, पूर्वी भाषा हो, हर भाषा का कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही पर जिक्र हर भाषा का गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में रखा। मूल रूप से तो अवधी भाषा है, पर केवल अवधी है ऐसा नहीं है, सभी भाषाओं का समन्वय रामचरितमानस में। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कथा मिलती है कि तुलसीदास जी रोज राम कथा सुनाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, तुलसीदास जी रोज शौच करने के लिए ना खुले मैदान में जाया करते थे, खेतों में। तो शौच का जो पानी बच जाता था वह एक वृक्ष की जड़ में डाल दिया करते थे। संयोग से उस वृक्ष में एक प्रेत रहा करता था, और प्रेत लोग ना ये गंदा पानी ही पीते हैं, सौ चौंच का जो बच के फेंक जाए वो पानी पीते हैं। इसलिए आजकल सारे, पहले ज्यादा प्रेत भूत थे, आजकल कम, आजकल सब प्यासे ही मर गए, क्योंकि खुले में कोई सौच जाता नहीं और पानी फेंकता नहीं, सब प्यासे मर गए। पहले ज्यादा भूत प्रेत थे क्योंकि लोग खुले में शौच करने जाते थे, बचे हुए पानी को फेंक देते थे तो प्रेत उसे पी पा लेता था। अब सब टॉयलेट घर में यूज करते हैं, अब कोई फेंकता नहीं है वैसा,
सब प्यासे मर रहे हैं प्रेत वगैरह। तुलसीदास जी की कथा में एक चरित्र है ये कथा कि वह पानी जब फेंकते थे तो एक दिन वह प्रेत प्रकट हो गया और तुलसीदास जी से बोला, तुमने हमें खूब पानी पिलाया है, अब तुम से हम बड़े प्रसन्न हैं, बताओ तुम क्या चाहते हो। अच्छा, आपके सामने कोई प्रेत व्रेत प्रसन्न हो जाए, कहे कि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे प्रेत से? क्या मांगेंगे आप मैया, क्या मांगोगी आप, क्या मांगेंगे आप बताइए मैया, आप क्या मांगोगी? आप तो प्रेत से भी कह दोगी कि हे भगवान, हे प्रेत देवता, बहू का बेटा हो जाए बहू को, और बेटे की अच्छी नौकरी लग जाए, और अच्छा काम धाम चालू हो जाए हमारा। आप तो प्रेत से भी निचोड़ लेंगे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रेत ने कहा, कुछ मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, आप देना चाहते हैं तो मुझे मेरे प्रभु राम का मुझे दर्शन करा दो। देखो, प्रेत से तुलसीदास जी ने मांगा। तब प्रेत ने कहा कि मैं भगवान का दर्शन कर लेता, मैं ही कर लेता, तो मैं प्रेत योनि से मुक्त ना हो जाता, परंतु मैं तुम्हें भगवान तक जाने का रास्ता बता सकता हूँ। जब तुम सत्संग करते हो तो तुम्हारे सत्संग में जो सबसे पीछे आकर एक व्यक्ति पुराना सा कंबल ओढ़कर बैठता है और बहुत गंदे वेशभूषा में आता है, वो हनुमान जी हैं, उनके चरण पकड़ लेना, वो आपको दर्शन कराएंगे। तुलसीदास जी को भगवान तक पहुंचने का प्रथम रास्ता एक प्रेत ने बताया है। यदि आपका संकल्प सच्चा है भगवान तक पहुंचने को, तो भगवान तक प्रेत भी आपको पहुंचा सकता है। सदगुरु की तो छोड़ ही दीजिए कि गुरु कहाँ पहुंचा देगा, प्रेत भी पहुंचा सकता यदि संकल्प मजबूत है। शिव संकल्प मस्तु, सत्य संकल्प है तो। गोस्वामी जी चले सत्संग, वो राम कथा रोज सत्संग करते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी रोज सत्संग करते थे, जहां रहते वहां गांव के 10-20 लोग आकर प्रेम से सत्संग करते। अब तुलसीदास जी ने देखा कि पीछे एक आदमी तो आता है बिल्कुल गंदा सा। जब सत्संग पूरा हुआ, सब जाने लगे, तुलसीदास जी उठकर संत के चरण पकड़ लिए, महाराज आप हनुमान जी हैं, मुझे अपने राम का दर्शन करा दो। चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, मैं तो सामान्य गुरुजी आपकी कथा सुनने आता हूँ। बहुत बहाने किए हनुमान जी ने, पर तुलसीदास जी की श्रद्धा के आगे एक बहाने ना चले। अंत में तुलसीदास जी के आगे उन्हें अपने हनुमान जी के रूप में प्रकट होना पड़ा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, हो सकता है इस कथा में भी कहीं हनुमान जी बैठे हों, हमें क्या पता। तुलसीदास जी जैसे पारखी हो तो हनुमान जी को पहचान भी लें, हम तो पारखी भी नहीं। इसलिए कहता हूं, इसलिए ये दास, इसलिए संत जन कहते, कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कबीर दास जी कहते हैं, ना जाने किस रूप में भगवान का दर्शन हो जाए, इसलिए सब में निज प्रभु मैं देख ही जगत, सी राम मैं सब जग जानी, सर्वम खल विदम ब्रह्म, सब में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में अपने भगवान अपने इष्ट का ही दर्शन करना चाहिए। ना जाने के स्वरूप में हमें हमारे गोविंद का दर्शन हो जाए, हमारे राघव का दर्शन हो जाए। चले मेरे राम का दर्शन करने के लिए हनुमान जी ने जब चरण पकड़ लिए तुलसीदास जी ने, तो हनुमान जी ने सिर पर हाथ रखा, चिंता ना करो, कल मैं तुम्हें दर्शन कराऊंगा। फिर चित्र, ये घटना चित्रकूट की है, और चित्रकूट में फिर वो प्रेम पूर्वक बैठे हैं और तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं। बोले, कल आएंगे जब तुम चंदन लगाते हो सभी को। देखो, गोस्वामी जी चंदन का दान करते थे, बैठ जाते थे घाट में नदी के पावन तट पर और सारे भक्तों को चंदन लगाया करते थे। चंदन लगाना भी एक सेवा है, गोस्वामी जी सबको लगाते।
राम जी आकर जब लगवाने लगे, आज राम जी आए हैं गोस्वामी जी से चंदन लगवाने, तब हनुमान जी को कहना पड़ा, चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुवीर। जब कहा तब तुलसीदास जी पहचान गए ये राम है, चरणों में गिर पड़े। राम जी को रोज चंदन लगाते थे तुलसीदास जी, पर पहचाने कब, जब कोई संत ने अवगत कराया, जब कोई संत ने कृपा की। भगवान तो हमसे रोज मिलते हैं, पर जब तक गुरु कृपा नहीं करते तब तक उन परमात्मा को पहचानने की सामर्थ्य नहीं आती, वो सामर्थ्य गुरु कृपा से मिलती। इसलिए गुरु जनों की शरण में रहने से हम सबका कल्याण होता है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें।